नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ स्मिता उपाध्याय। सबसे पवित्र हिंदू त्योहारों में से एक चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, यानी माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। आज देश भर में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है पंडित विकास पांडे जी। नमस्ते पंडित जी, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। नमस्ते जी। पंडित जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है जी, वो पिछले दिन मध्याह्न काल से 12 बजे से प्रारंभ हो गया था जी। जो कि आज हमारे यहाँ 12:40 तक है। इसमें माता का जो है प्रारंभ पूजन किया जाएगा, लेकिन प्रातः काल का जो मुहूर्त होता है वो विशेष मुहूर्त होता है। तो हम लोगों को जो है प्रातः काल माता का जो है पूजन करना चाहिए, एवं माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो एक ब्रह्मचारी का रूप है। तो माता जी का के हाथ में एक माला होती है, कमंडल होता है, जो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है माता जी का। और माता जी को ब्रह्मा की पत्नी भी माना जाता है कि ब्रह्मचारिणी है, उनका उस प्रकार से पूजन किया जाएगा जी। पंडित जी, कहा जा रहा है कि इस बार माँ घोड़े पर सवार होकर आई हैं जी, इसके क्या मायने हैं? देखिए, घोड़े पर सवार होने से क्या होता है, दिन के हिसाब से मान्य होता है जी। तो ये माता जो है शनिवार का जो नवरात्रि प्रारंभ हुआ है उसके अनुसार अगर देखा जाता है तो घोड़े पर सवार होने से हमारे यहाँ कुछ राजनैतिक जो पावर है उसमें जो है दोनों के बीच में जो है मध्य में जो है तकरार होगी जी। ठीक है, तो इस कारण जो है लोगों को जो है परेशानियां होंगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जैसे हमारा चैत्र संवत्सर जो प्रारंभ हुआ है जी। आज द्वितीय दिवस है, तो द्वितीय दिवस में माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, तो राजा हमारे जो है शनि है जी। जो राजा शनि के कारण जो है हमारे यहाँ वर्षा कम होगी जी। ये मान्यता होती है कि राजा शनि अगर होते हैं तो वर्षा कम होती है, साथ ही साथ उपद्रव बहुत होता है जी। तो हम सभी को जो है माता का जो पूजन करना है, नौ देवियों में 9 दिन का जो हम पूजन करते हैं उस पूजन में माँ से हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे इस संसार में, हमारे देश में माता सब पर कृपा दृष्टि इस प्रकार बनाए कि हमारे यहाँ जो कुछ उपद्रव होने वाले हैं वो सब शांत रहें जी। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि इस साल के राजा शनि होंगे, पंडित जी आप टीएनपी न्यूज के दर्शकों को बताइए कि शनि के राजा होने से कैसी स्थिति रहेगी या फिर कैसे योग बनेंगे? देखिए, स्थिति हमने आपको बताई अभी जो कि स्थिति इस प्रकार रहेगी, लोगों में जो है विद्रोह पैदा होगा जी। ठीक है, रोग पैदा होंगे क्योंकि वर्षा कम होगी, वर्षा कम होने के कारण जो है विद्रोह पैदा होता है, बीमारियां फैलती हैं जी। इस बार की नवरात्रि 9 दिनों की है, लेकिन कभी कभी यह 8 और 10 दिनों की भी होती है, तो पंडित जी ऐसे दिनों में दिनों के घटने और बढ़ने से कोई फर्क पड़ता है क्या? जी नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, तिथियां जो है जब घटती बढ़ती रहती हैं, क्योंकि जैसे जिस प्रकार हमारा एक आता है महामांगल्य मास आता है, जिसे मलमास कहा जाता है, 3 वर्ष में एक बार आता है जी। तो जो मंगल मास एक महीने का वो होता है, तो उस मंगल मास के कारण हमारी तिथियां क्या होती है, घटती और बढ़ती रहती हैं, जिसके कारण जो है हमारा यह तिथियां जो है कभी 9 की पड़ती हैं, कभी 8 की पड़ती हैं और कभी 10 की पड़ती हैं। अधिकतर आप देखेंगी तो अश्विन मास का जो नवरात्रि हमारा होता है वो 10 दिन की होती है, और इधर जो चैत्र मास की होती 8 या 9 दिन की होती है। ठीक है पंडित जी, नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, तो ऐसे में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का क्या विधान है और भक्त कैसे माता को प्रसन्न कर सकते हैं जी? माता जी के लिए देखिए, ब्रह्मचारिणी के लिए जो उनका विशेष वस्त्र है वो श्वेत है, सफेद है जी। तो उस दिन जो है लोगों को सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। माता को जो पुष्प अर्पित करें, माला अर्पित करें, वो माला या पुष्प जो है श्वेत होना चाहिए, माने सफेद होना चाहिए, और साथ में जो उनका भोग होगा वो गाय के दूध से बना हुआ या तो गाय के घी से बना हुआ भोग में जो है प्रसाद लगाना चाहिए, वो कुछ भी श्वेत मिष्ठान होना चाहिए जो भी माता को हम भोग लगाएं। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए।